हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भीम इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको कल तक अपने प्रोनाउन के सभी रूल्स कंप्लीट करा दिए हैं, इम्पोर्टेंट भी और बेसिक भी। ठीक है, हमने आपको सभी रूल्स कंप्लीट करा दिए हैं और आज हम आपको उन्हीं सभी रूल्स पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे एग्जाम्स में हमें एग्जामिनर किस टाइप से हमें गलती देते हैं और हमें किस टाइप से उसे नोट करना है और उसको करेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सभी रूल्स का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। ठीक है, देखिए हमारे जो एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिया जाता है वो हमें चार पार्ट्स में दिया जाता है, ए बी सी एंड डी। चार पार्ट्स में हमें हमारा क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें देखिए तीन पार्ट्स में जो होते हैं ए बी एंड सी, तीन पार्ट्स में हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है और फोर्थ पार्ट में दिया जाता है नो एरर। इट मीन्स कि हमें पहले तीन पार्ट्स में ये देखना है कि इसमें हमारी गलती कहाँ है। जहां भी हमें हमारी गलती लगती है हम उस पर क्लिक कर देते हैं और अगर हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस सही है तो हम ये नो एरर पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज मी हु विल डू योर वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज तो ये है कि यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में मतलब जोर दिया जा रहा है किसी बात पे कि इट इज मी, इट इज मी। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इट इज आई होगा, वो क्या होगा, इट इज आई, मैं ही हूं। ठीक है, तो देखिए मैं ही की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आई का। ठीक है, आई, और इसमें क्या होता है, हमने आपको ये भी बताया था कि हु है। ठीक है, जो हु है, हु से पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हु से पहले हम सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, हमें यहाँ पे आई की जगह क्या दे देगा, मी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, उसे पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई गेव हिम ए पेन बट ही हैज नॉट रिटर्न्ड इट टू मी। ठीक है, आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया लेकिन उसने मुझे वह वापस नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, पेन की। इसकी बात हो रही है पेन की। पेन क्या है, हमारा एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे इट टू मी, उसने मतलब क्या वापस नहीं किया, पेन। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हमारा ये पेन आ रहा है, तो हमने पेन के लिए इट का यूज किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देगा, इट की जगह पे द सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें इट की जगह पे द सेम देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। जब हमारे यहाँ पे पेन की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा इट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ द थ्री बॉयज हैज कम्प्लीटेड द वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने आपको बताया था कि जहाँ पे यदि दो व्यक्तियों की बात होती है तो हम वहां पे नाइदर का यूज करते हैं और दो से अधिक की बात होती है तो हम नन का यूज करते हैं। यहाँ पे कितने हैं हमारे, थ्री बॉयज, यानी कि दो से अधिक हैं, तो दो से अधिक के लिए हम नन का यूज करते हैं और हमें यहाँ पे नन की जगह क्या देगा, नाइदर। ठीक है, यहाँ पे हमें नन की जगह नाइदर देगा कि नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज, जो हमारा गलत हो जाएगा। जब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे तीन लड़कों की बात चल रही है तो हम नन का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, कितने लड़के हैं यहाँ पे, टू बॉयज। हमने आपको बताया था कि जहाँ पे टू बॉयज की बात होती है तो वहां पर हम नाइदर का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे नाइदर की जगह क्या देगा, नन। हमारा एग्जामिनर हमें नाइदर की जगह पे नन देगा कि नन ऑफ द टू बॉयज, जो हमारा गलत हो जाएगा। हमें पता है कि हम दो ही लड़के हैं तो हम उसके लिए नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ही बॉट द बुक्स एंड पुट देम इन द बैग। ठीक है, उसने किताबें खरीदी और उन्हें बैग में रखा। ठीक है, ही बॉट द बुक्स, अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, किताबों की। ठीक है, इसकी बात चल रही है किताबों की, बुक्स की। बुक्स क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग यानी कि इट। ठीक है, अब देखिए इट का प्लूरल क्या होता है, दे, क्योंकि हमारी बुक्स है प्लूरल फॉर्म में आ रही है तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, दे प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि इट का प्लूरल होता है दे। अब देखिए दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो हम बुक्स के लिए ऑब्जेक्टिव केस किसका यूज करेंगे, देम का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए, यहाँ पे हमारी बुक्स आ रही है तो हम इसके ऑब्जेक्टिव केस में देम का यूज करेंगे, क्योंकि देम के हमारा प्लूरल फॉर्म में ही आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट देमसेल्फ इफिशियंटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जामिनर हमें क्या गलती देगा कि एक्विट के बाद में देमसेल्फ नहीं देंगे। ठीक है, हमें क्या देंगे, सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट इफिशियंटली। ठीक है, अब देखिए सिविल सर्वेंट्स की बात चल रही है, प्लूरल फॉर्म में है, सिविल सर्वेंट्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे देमसेल्फ्स का यूज किया है और एक्विट के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें themselves नहीं देगा, तो हमें यहाँ पे themselves लगाना है क्योंकि acquired के बाद में हम reflexive pronoun का यूज करते हैं। themselves का हमने यूज इसलिए करा है themselves क्योंकि हमारे सिविल सर्वेंट्स है बहुत सारे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हमने themselves का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई फादर ऑलवेज एडवाइज मी दैट आई शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे आई शुड कीप, ठीक है, कीप के बाद में हमें क्या दे देगा, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा कि आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, जो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए कीप के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, बताया था हमने आपको कि कीप के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे हमें माई सेल्फ दिया जाएगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, वन शुड लुक फॉर वंस ओन फॉल्ट फर्स्ट। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में वन दिया गया होता है तो हम वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में वंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें हमारा एग्जामिनर क्या देगा कि वंस की जगह पर हिज दे देगा, क्या दे देगा, वंस की जगह पर हिज, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारा सब्जेक्ट के रूप में वन है तो हम वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव में वंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज वेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमें गलती क्या देगा, यहाँ पे हमें माई की जगह पर मी दे देगा। ठीक है, हमारे एग्जामिनर हमें माई की जगह पे मी दे देगा, और माई क्या है, हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, हमारा नाउन की विशेषता बताता है, और हमारा विनिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, जब हमारा विनिंग नाउन है तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और हमें यहाँ पे क्या दे देगा, मी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, करेक्ट क्या होगा, हमारा माई, माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में, आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, तो इन्हें अब आप नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया, तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझाते हैं इसके बाद के। देखिए एक ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए, either of the two wives is dominated by her husband. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको बताया था कि either of the के बाद में हम plural noun, singular verb और singular ही possessive adjective का use करते हैं। ठीक है, either of the के बाद में हम plural noun, singular verb और singular possessive adjective का use करते हैं। ठीक है, next देखिए, not only Ram but also his friends have done their work. ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने बताया था कि यदि हमारे दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं तो हम सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स, तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा हिज फ्रेंड्स, तो हमारा जो पॉसेसिव एडजेक्टिव का हमने यूज किया है ये हमने सेकेंड सब्जेक्ट यानी कि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, This cake is meant for you and me. ठीक है, देखिए जब एंड हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, जब एंड हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्या हम इसके साथ में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देगा, मी के स्थान पे हमें आई दे देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, यू एंड मी, ये कौन है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही मस्ट डू योर ड्यूटी, तो हमने आपको बताया था कि जब सेकेंड नाउन और सॉरी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है योर। ठीक है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारा योर होता है, तो हमें क्या करेगा, हमें योर के स्थान पे हिज दे देगा, क्या दे देगा, हिज, जो हमारा गलत हो जाएगा। हिज क्यों देगा, क्योंकि हमारा ही है, तो बच्चे क्या यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे ही है तो इसका हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज ही होगा, लेकिन वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे दोनों की बात हो रही है, दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव भी दोनों के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ही इज द पर्सन हु आई फियर विल चैलेंज योर अथॉरिटी। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था हु वाला सेंटेंस, देखिए यहाँ पे जो हमें आई फियर दिया गया है, आई फियर जब देखिए कॉमे के बीच में, यानी कि एक हमारा अलग ही सेंटेंस है, आई फियर एक अलग ही सेंटेंस है, तो हमने जो ये हु का यूज किया है,
हम ये इस वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। कॉमे के बाद देखिए हमें वर्ब दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हु का यूज किया है। एग्जामिनर हमें हु की जगह पे हुम दे देगा। अब हमने आपको बताया था कि हुम के बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि यहाँ पे तो आई दिया गया है इसलिए हम यहाँ पे हुम का यूज करेंगे, लेकिन नहीं, जब ये हमारा कॉमे के बीच में दिया गया होता है तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है, ये अलग ही सेंटेंस होता है। तो हमने जो यहाँ पे हु यूज किया है ये विल के अकॉर्डिंग किया है, विल हमारी वर्ब है, तो हमने इस वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हु का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ टू सेव ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, गर्ल की, ठीक है। यहाँ पे हमारी गर्ल की बात चल रही है इसलिए हमने हु का यूज किया है, क्योंकि जब हमारे लिविंग थिंग की बात चलती है तो हम कंजंक्शन के रूप में हु का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देगा, हु की जगह पे दैट, हु की जगह पे हमें हमारे एग्जामिनर दैट देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। गर्ल की बात चल रही है तो हम हु का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर यादव अवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग। मिस्टर यादव अवर रिप्रेजेंटेटिव मतलब मिस्टर यादव जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, विल अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों ही जगह पे बात किसकी चल रही है, मिस्टर यादव की ही। तो देखिए सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, मिस्टर यादव। अब हमें एग्जामिनर हमारे क्या करेंगे, विल से पहले कोई सब्जेक्ट दे देंगे, ही दे देंगे, विल से पहले हमें ही दे देंगे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही जगह पे सब्जेक्ट है मिस्टर यादव, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। विल से पहले हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी बात किसकी चल रही है, ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली और मुंबई की रोड्स की, ठीक है। किसकी बात चल रही है, दिल्ली और मुंबई की रोड्स की। अब हमने आपको क्या बताया था कि देखिए देन से पहले जो हमारा नियम लागू होता है वही नियम हमारा देन के बाद लागू होता है, ठीक है। देखिए देन से पहले हमारा क्या रहा है, प्रपोजिशन ऑफ, तो हमने यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया। अब हमने दैट क्यों किया, देखिए ऑन द रोड्स ऑफ, ऑन द रोड्स ऑफ, तो हमने यहाँ पे ऑन द रोड्स के लिए दैट यूज किया, ऑन द रोड्स ऑफ के लिए दैट ऑफ यूज किया। हम दोबारा से यहाँ पे ऑन द रोड्स नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे दैट का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में, देखिए यहाँ पे हमें जब आइदर आइदर ऑफ द है तो हमने यहाँ पे प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही पसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है। हमें यहाँ पे क्या करेगा, दियर दे देगा, ठीक है, दियर देगा, जो हमारा गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में, हम नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। देखिए अब हम आपको इसके बात के और सेंटेंस बताते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतने समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नाइदर ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, ठीक है। नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे देखिए हमें एरर क्या देगा हमारे एग्जामिनर, नाइदर ऑफ देम की जगह देगा बोथ, बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो देखिए बोथ ऑफ देम के बाद में हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम के बाद में हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, नाइदर ऑफ देम के बाद में हमारा नॉट का यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो नॉट है यहाँ पे हमने नाइदर ऑफ देम का यूज किया, बोथ नहीं आएगा यहाँ पे। इफ यू वॉन्ट दिस जॉब यू विल नीड फेवर ऑफ हिम, ठीक है। हमने आपको बताया था, अभी पीछे एक रूल बताया था कि फेवर के साथ में हम पसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फेवर के साथ में हमारा पसेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, फेवर ऑफ हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द वर्स्ट दैट यू कैन डू, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट, और वर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। वर्स्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, बैड की, बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री, एंड वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो वर्स्ट के साथ में हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इट इज द सेम बुक दैट आई सॉ एट द बुक फेयर, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जहां पे द सेम होता है, द सेम वाले वाक्य में हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, यू ही एंड आई शुड स्टार्ट ए बिजनेस, यानी कि तुम, वह और मैं, तुम्हें, उसे और मुझे, शुड स्टार्ट ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो रही है, यानी कि एक अच्छे काम की बात हो रही है, बिजनेस स्टार्ट करना एक अच्छा काम है, इसलिए देखिए यहाँ पे हम
यू ही एंड आई का यूज किया, यानी कि अच्छे काम के लिए हम किस कोड का यूज करते हैं, 231। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा एग्जामिनर हमें क्या देगा, या तो हमें यहाँ पे बैड वर्क वाला, बैड वर्क वाली सीरीज दे देगा आई यू एंड ही, या यहाँ पे मतलब इन तीनों पर्सन्स को किसी भी सीरीज में अरेंज कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अच्छे काम की बात होती है तो हम तीनों पर्सन को 231 की सीरीज में अरेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज आई हु एम कॉल्ड बाय ऑफिसर। ठीक है, देखिए इट इज आई हु एम कॉल्ड बाय ऑफिसर। देखिए इसमें हमारा एरर हमें एग्जामिनर कहाँ देगा, हमें यहाँ एम की जगह पे इज दे देगा। ठीक है, एम की जगह पे हमें क्या दे देगा, इज। अब देखिए यहाँ पे हमारा एम आया, देखिए जो हमारा हु है, ठीक है, उससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बाद में हमारी जो वर्ब आती है वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो हमारा ये क्या है, आई। तो आई के साथ में हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, एम का, ना कि इज का, इज हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए रेन की बात हो रही तो हमने यहाँ पे इट का यूज किया है। ठीक है, रेन की बात हो रही तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट का ही यूज करेंगे। अब देखिए बीइंग मेन है इसमें, बीइंग, बीइंग यहाँ पे हमें देखा बीइंग ए रेनी डे। ठीक है, तो देखिए बीइंग ए रेनी डे हमारा गलत हो जाएगा, बीइंग से पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज अवश्य ही करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर हमें कहीं पे ओनली बीइंग दिया हुआ है तो बीइंग से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस का यूज जरूर होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज नॉट द सेम बुक एज माइन। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जहाँ पे द सेम की बात होती है वहां पे हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमने कंजक्शन दैट का यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने कंजक्शन मतलब यहाँ पे हमने एज का यूज किया है। क्यों, देखिए द सेम के बाद में हम कंजक्शन दैट का यूज तब करते हैं जब दैट के बाद वाला जो हमारा क्लाउज है वो कम्प्लीट हो। क्लाउज कम्प्लीट का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हों, तब हमारा द सेम के बाद में दैट आता है, लेकिन यहाँ पे तीनों नहीं है। हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ये माइंड, बस इसे प्रोनाउन दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो दैट के बाद वाला जो हमारा सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है, क्लाउज हमारा इनकम्प्लीट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दैट एज का यूज किया है, दैट का नहीं। ठीक है, समझ गए, द सेम के बाद में यहाँ पे हमने एज का यूज किया है, दैट का नहीं, क्योंकि दैट के बाद वाला वाक्य हमारा, यानी कि दैट के बाद वाला हमारा क्लाउज कम्प्लीट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट अस ऑल गो फॉर वर्क एक्सेप्ट हर। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि लेट या प्रपोजिशन के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा एग्जामिनर हमें यहाँ पे अस की जगह वी देगा, सब्जेक्टिव केस देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। लेट के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, देखिए अवेल, अवेल के बाद में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अवश्य ही करते हैं, हमें हमारा एग्जामिनर अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देगा, नहीं देगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अवेल के साथ में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और अवेल के बाद में हमारा प्रपोजिशन ऑफ का भी यूज होता है, तो हमारा क्या होगा करेक्ट, अवेल योरसेल्फ ऑफ। अब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में योरसेल्फ इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा योर आ रहा है, योर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे योरसेल्फ का यूज किया है। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा हमारा, अवेल योरसेल्फ ऑफ। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज मोहन और शी हु केम हेयर लास्ट नाइट। ठीक है, इट वॉज मोहन और शी हु केम हेयर लास्ट नाइट। देखिए हमने आपको बताया था कि हु से पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, हु से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो हमें यहाँ पे हमारा एग्जामिनर शी की जगह हर देगा, क्या देगा, हर। इट वॉज मोहन और हर, तो हर हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हु के साथ में हम, हु से पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई अलोन विल कम्प्लीट दिस वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने आपको बताया था कि यदि एंड का यूज हमारे सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग में ही एंड का यूज होता है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसके साथ में सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। एग्जामिनर हमें क्या देगा, ही एंड मी, आई की जगह पे हमें मी देगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, करेक्ट होगा आई। ठीक है, समझ गए, यानी कि एंड यदि हमारा सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम उसके साथ में सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और ये एंड यदि हमारा बाकी के लास्ट में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो उसके साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। देखिए अब हम आपको इसके बाकी और सेंटेंसेस समझाते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, लेट रोहित एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि देखिए लेट के साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, लेट के साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोहित आ रहा है, लेट है, लेट के साथ में रोहित आ रहा है, नेम आ रहा है, तो नेम को तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ये जो है यहाँ पे हमारा, ये हमने हर लिखा है क्योंकि लेट के साथ में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और हमें हर की जगह पे क्या देगा हमारे एग्जामिनर, शी, जो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स में से सबसे बुढ़ा, यानी यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है कि ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, सिलेक्शन की बात हो रही है, किसकी सिलेक्शन, तो हमने आपको बताया था कि सिलेक्शन वाले सेंटेंस में जहां पे हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है तो वहां पर हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जामिनर देगा हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स, जो हमारा गलत हो जाएगा, सिलेक्शन है तो इसलिए हम विच का यूज करेंगे। देखिए, ऑल इज द बॉय हु हैज फेल्ड, ठीक है, देखिए हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है हमारा, हु रिलेटिव प्रोनाउन, और हमें इसमें एरर कहां में लिखा कि हु से पहले एंड या दैट दिया जाएगा। ठीक है, हु से पहले हमें एंड या दैट दिया जाएगा जब, ठीक है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम एंड और दैट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमंग बॉयज एंड गर्ल्स सिक्स बॉयज हेट वन अनदर। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि यदि कहीं पे दो व्यक्तियों की बात होती है तो हम ईच अदर का यूज करते हैं, और दो से अधिक की बात होती है तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कितनी बात हो रही है, सिक्स बॉयज की, यानी कि दो से अधिक है, सिक्स की बात हो रही, तो इसलिए हमने यहाँ पे वन अनदर का यूज किया है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, बोथ ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू साइकिल। ठीक है, अब देखिए हमें अगर इसमें कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे एंड की जगह पे एज वेल एज दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा, एंड की जगह पे एज वेल एज, तो बोथ के साथ में हम एज वेल एज का यूज नहीं करते हैं, बोथ के साथ में हम एंड का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू अवर ड्यूटी। ठीक है, यू एंड आई, तो देखिए हमने आपको बताया था कि पर्सन के बारे में बताया था, हम आपको फिर से डिटेल में बताते हैं। देखिए हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिलके कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव बनाते हैं, अवर। देखिए हम आपको फिर से लिख देते हैं, देखिए सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिलके क्या बनता है हमारा, अवर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिलके भी हमारा क्या बनता है, अवर। ठीक है, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन योर, ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन को मिलके हमारा बनता है पॉसेसिव एडजेक्टिव डियर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू अवर, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन इज इक्वल्स टू अवर, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन इज इक्वल्स टू योर, एंड थर्ड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन इज इक्वल्स टू डियर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको एक बार फिर से बता दिया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पे हमारा यू एंड आई आया तो इसलिए हमने यहाँ पे अवर का यूज किया है। ठीक है, तो हमारा एग्जामिनर हमें अवर की जगह क्या दे देगा, योर, जो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। हो गया नोट, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज की क्लास खत्म होती है। आज हमने आपको 35 क्वेश्चंस कराए हैं, सभी रूल्स पर बेस्ड, और कल हम आपको और भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को जरूर आप रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।